बच्चों, आज के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको खान पान की बदलती तस्वीर पाठ 14 पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं कि खान पान की बदलती तस्वीर की का कारण क्या है और कौन सी चीज़ें आज बहुत प्रचलन में आ गई, किन कारणों से आई हैं, कैसे लोगों द्वारा पसंद की जा रही हैं। पाश्चात्य सभ्यता ने हमें कुछ चाइनीज़ फूड और आधुनिक खाने की आदत डाल दी है। ब्रेड की बात कर रहे थे कि ब्रेड जो पहले कभी साहबी ठिकानों का शौक माना जाता था, आज वो आम जनता की भूख मिटाने का साधन हो गया है। ब्रेड को पहले लोगों के पहुंच से दूर थी, आज हर गली मोहल्ले नुक्कड़ की दुकान पर ब्रेड आसानी से उपलब्ध है। ब्रेड के व्यंजन बन सकते हैं, ब्रेड को नाश्ते, टिफिन और लंच खाने में भी रखा जा सकता है। कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना के हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हर तरह से नई पीढ़ी को तो कुछ नई चीज़ें बनने पर ज़्यादा पसंद आती हैं। तो कुछ चीज़ें और भी हुई, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इसी बदली हुई संस्कृति से अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। अब नई पीढ़ी की बात करते हैं तो नई पीढ़ी का की सोच जो है वो स्थानीय व्यंजनों को भले न जाने, वो कुछ प्रसिद्धि प्राप्त जो व्यंजन होते हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर हुई है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। कहने का मतलब स्थानीय व्यंजनों ने भी अब स्थान बना लिया है। जैसे अपने स्थान विशेष की कोई चीज़ है तो वो भी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि सब लोग उसे पसंद करते हैं। तो दिल्ली के छोले कुलचे और मुंबई की पाव भाजी पूरे भारत देश में प्रसिद्ध थी, परंतु स्थानीय व्यंजनों की दुनिया तो बहुत छोटी हुई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में भी अब वह बात कहाँ। कहने का मतलब जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ी और खपत ज़्यादा होने लगी, दूर दराज क्षेत्रों में ये जाने लगी, तो इसकी मांग के अनुसार इसके दाम को भी कम करना पड़ा। दाम कम करने के साथ साथ इसकी जो गुणवत्ता थी उसमें भी कुछ कमी आई। वास्तविक रूप में जो पहले थी चीज़ें आज वो नहीं मिलती हैं, आज उनमें वो स्वाद नहीं है और हर चीज़ में एक मिलती जुलती चीज़ बना कर डुप्लीकेसी का जो ज़माना है वो दिखाया जाता कि कैसे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें थोड़ी तो बाज़ार में महंगी होती हैं और हर आदमी के उपलब्ध में नहीं होती हैं कि हर आदमी उसे ले सके। तो फिर क्या किया जाता है, उससे मिलती जुलती थोड़ी सी चीज़ें घटा करके बना दी जाती हैं ताकि आम आदमी के हाथ तक वो पहुँच जाए और आम आदमी की पहुँच तक पहुँच के वो इतनी प्रसिद्धि पा जाती हैं कि हर कोई उसे पसंद करने लगता है। तो उसमें थोड़े से दाम में अंतर करने के बाद वो पूरे सब जगह प्रसिद्धि में आ जाती है, चाहे वो आगरा का पेठा हो, वहाँ के नमकीन हो। मगर पुराने ज़माने के पेठे और नमकीन में जो बात होती थी, आज के आगरा के पेठे और नमकीन में वो बात नहीं। तो धीरे धीरे सबकी पहुँच में करते करते गुणवत्ता में कुछ फर्क आ जाता है। हर व्यक्ति की पहुंच में पहुंचाने वाली चीज़ों में तो गुणवत्ता में कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता ही है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों में जो व्यंजन पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत अब कितने लोगों में रह गई। और फिर पहले एक ऐसे था कि मौसम और ऋतुओं के हिसाब से भोजन बनते थे। जाड़े का वक्त है तो भारी भरकम भोजन पचाया जा सकता है, तली भुनी चीज़ें खाई जा सकती हैं, लेकिन जब जाड़े का वक्त नहीं हो तो गर्मी की चीज़ें तो हल्का खाना और उसके साथ चीज़ों के खान पान में बदलाव किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि
वो उसकी गुणवत्ता में थोड़ा फर्क कर दिया जाता था और चीज़ों को कम बेसी मात्रा में करके घटा बढ़ा के कुछ उसे प्रयोग में लाते थे। अब पहले के जमानों तक फलों और खाद्यान्नों में जो चीज़ें डालकर पकाई जाती थी, आज वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है, चाहे उसको हम महंगाई के कारण कहें या पहुंच के कारण कहें। दोनों स्थितियों में अब उसकी जगह कुछ अन्य चीज़ें डाल करके चीज़ें बना दी जाती हैं या वो एक दो चीज़ें कम करके बना दी जाती, तो गुणवत्ता में फ़र्क तो आना ही है। दूसरी चीज़, आज समय का अभाव हो गया है, समय हर एक के पास समय नहीं है कि खरबूजे के बीज छीलना, हरे चने छीलना, ये सब चीज़ें बहुत मेहनत का काम होती थी और बहुत धैर्य का, मगर आज ना वो धैर्य है ना वो परिश्रम करने वाले लोग बचे हैं। खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और उनके व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है और बहुत लोगों ने क्या किया है कि इसको बाजार से खरीदने की व्यवस्था कर लेते हैं। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी वैसी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। अब चूंकि बाहर के व्यंजन अगर कुछ अच्छे आ जाते हैं तो देसी व्यंजनों और स्थानीय व्यंजनों में के खान पान में कमी हो जाती है। तो और आजकल स्ट्रीट फूड के नाम पर सड़क के किनारे लगने वाले ठेलों में हर एक चीज़ मिलती है, महंगी दुकानों की तरह ही मिलती है, मगर उनके दाम सस्ते होते हैं। वजह कि वो ठेलों पर काम कर रहे हैं, तुरंत आपको गर्मा गर्म बना के दे रहे हैं, आपके सामने बना रहे हैं, तो सारी शुद्धता और उसकी देखरेख आपके सामने हो रही, तो आपके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद भी होती है और दाम में भी सस्ती पड़ती है। 5-स्टार होटलों में जहाँ हमारी किचन तक पहुँच नहीं होती, वहाँ से चीज़ें बनकर हमारे टेबल पर आ जाती हैं और हम खा लेते हैं और ऊँचा दाम देकर आते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो स्थानीय व्यंजन हैं और देसी विदेशी व्यंजनों की मांग अब बढ़ती जा रही है, लोग पसंद कर रहे हैं कि हाँ, जैसे बाटी चोखा की बात करें तो बिहार का बाटी चोखा आज पार्टी की शोभा, शादी की शोभा, सब कुछ बन गया है, सब कुछ में उसका जो है रूप पाया जाता है। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ों को कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब जैसा कि कोरोना में हम लोग क्या देखे कि जटिल जो व्यंजन बनाने के तरीके हैं उसको YouTube से देखकर, किताबों से पढ़कर लोगों ने बनाने की कोशिश की, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें चीज़ें डाल के काम चलाया, तो बहुत सारे व्यंजन जो है वो तो सिर्फ पुस्तिकाओं को देख पढ़कर भी सुन के भी बना लिए जाते हैं। मगर पुराने ज़माने में दादी नानी जो रहती थी वो उसे बनाती थी। अब शहरी जीवन की भागम भाग में तो ये स्थिति स्वाभाविक लगती है, कमर तोड़ महंगाई है और धीरे धीरे हम चीज़ों से वंचित होते चले जा रहे हैं। महंगाई के कारण जहाँ हमें चीज़ें डालनी है, सूजी डालनी है, हम रवा डाल के काम चलाते हैं, खोआ डालना है, हम रवा डाल के काम चलाते हैं। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन चार बार नहीं सोचेगा। अब कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनमें बिना मेवे डाले, ड्राई फ्रूट्स या मेवे डाले, उसका स्वाद बनता ही नहीं है, मगर आज महंगाई के दौर में मेवे हर व्यक्ति की पहुंच में हो ये भी संभव नहीं है। तो कुछ खास मौके और कुछ खास अवसरों के लिए कुछ मेवे संभाल कर बचा कर रख दिए जाते हैं और महंगे होने के कारण उन्हें बनाने के पहले हर व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि हाँ, वास्तव में क्या इसमें मेवे डाल के बनाए जाए। मेवे की खीर बनती थी तो तमाम ड्राई फ्रूट्स पड़ते थे, लड्डू वगैरह में ड्राई फ्रूट। आज क्या करते हैं, या तो खरबूजे का बीज डाल के या जो मूंगफली होती है उसके कच्चे दाने डाल करके काम चलाए जाते हैं। तो बदलाव आना भी स्वाभाविक हो जाता है कि ऐसी स्थिति में, महंगाई के इस दौर में हमें कुछ चीज़ों को बिल्कुल भी खत्म सी कर देनी पड़ती है, या ये कह देना चाहिए कि उनके बिना ही हमें संतोष करना पड़ता है कि हाँ, उनके बिना हम कैसे चीज़ों को बनाएं। तो
तो बहुत बार हम उन चीजों के बिना भी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महंगाई के दौर में वो सारी चीजें नहीं मिल सकती। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है उसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणी और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। अब खान पान की मिश्रित संस्कृति कहते हैं जहां भारतीय और पाश्चात्य सभ्यता के भोजन, खान पान की मिश्रित संस्कृतियां हमें शादी ब्याह में बहुत अच्छे से मिलती हैं। हर तरह के व्यंजन रखे जाते हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। अब आज के दौर में देखा जाए तो महिलाओं के पढ़े लिखे होने के बावजूद अधिकतर महिलाएं जो है कामकाजी हो गई हैं। कामकाजी होने के कारण उनके खान पान का भी तरीका बहुत बदल गया है, और वो क्या करते हैं कि जो बहुत भारी भरकम और समय लेकर बनाए जाने वाले व्यंजन होते हैं उन्हें वो जल्दी बनाना नहीं चाहती, इसलिए कि उनके पास उतना समय नहीं होता है। तैयारी 2 से 3 दिन पहले करनी पड़ती है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए समझ में आता है कि वे किसी भी तरह से उसे बनाने की जो विधि है, जल्दी तैयार हो जाने वाले भोजन की बनाने की विधि जो है वो उसे तमाम तरह की पुस्तिकाओं से पढ़ के, यूट्यूब चैनलों से देख करके कोशिश करते हैं कि हमारा काम जो है वो बन जाए। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला। अब नई पीढ़ी की बात करें तो नई पीढ़ी को तो देश विदेश के व्यंजन ही बहुत पसंद आते हैं। बाहरी देश में बनने वाली चीज़ें ज़्यादा उन्हें लुभाती हैं और पसंद की जाती हैं उनके द्वारा, तो वे क्या करते हैं कि इन्हीं चीज़ों को खोज खोज के वे तमाम पुस्तिका व्यंजन पुस्तिकाओं से पढ़ते हैं, फिर उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। भले ही किन्हीं कारणों से हम किसी खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं, तो जो हमें विभिन्न प्रकार के देश विदेशी व्यंजन जानने का सुअवसर मिला है वो चाहे किसी भी कारण से हो, लेकिन खास रूपों में हमें प्राप्त हुआ जिससे हमने जाना क्या वास्तव में बहुत आवश्यक चीज है जो हमें अपने खान पान से जोड़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि आज जो खाद्य सामग्री हमें बाजारों में मिल रही है वो बिल्कुल निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं, जो शुद्ध रूप में आपको खाने पीने का सामान मिले ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। कुछ न कुछ मिलावटी चीज़ें, खोए की जगह कुछ और डाल दो, दूध की जगह कुछ और डाल दो, चीनी नहीं है तो कुछ और डाल दो, तो इस तरीके से उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था लेके वो चलते हैं कि अगर ये काम नहीं है तो ये कर लिया जाए, तो उसकी स्थिति में क्या होता है कि चीज़ें जो रहती है बहुत पसंद किए जाने लगती हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियों और तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ उसके कारण खान पान की चीज़ें किसी भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची। बहुत सही साधन बताया है यहाँ पर कि खान पान की जो बदलती हुई तस्वीर है उसके जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चीज़ें हमें मिलती हैं उसके पीछे कारण है उद्योग धंधे, यानी हम कहीं जाके व्यापार करने की कोशिश करें तो व्यापार के माध्यम से हमें मिल जाए। नौकरी और तबादले, कहीं जाके नौकरी करना या हम तबादले से ट्रांसफ़र से इधर उधर के देशों में, शहरों में और प्रदेशों में चले जाते हैं तो भी हमें समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें हमारी पहुंच से दूर हैं और अब एक जगह की चीज़ें इसीलिए सारी जगह मिलना बहुत आसान हो गया है, लोगों को लगना लगा कि बहुत आसानी से हमें मिल सकता है। उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची, तबादलों से भी खान पान की तस्वीरें एक दूसरे
प्रदेश में पहुंच गई। कारण कि जब हम दक्षिण भारतीय व्यक्ति जब उत्तर भारत में आता है तो उत्तर भारत के खान पूड़ी सब्जी और साग रायता आदि सीखता है, तो अपने यहाँ का व्यंजन जो है इडली डोसा या जो भी है वो सब बनाना सीखता है, खाने का तौर तरीका सीखता है, तो धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हो जाता है। जब इसे लोग उधर के लोग आकर यहाँ पर दक्षिण भारतीय लोग उत्तर भारत में आकर जो दक्षिण भारतीय भोजनों का की व्यवस्था कर ढाबे चला देना या आपको होटल चला देना रेस्टोरेंट चला देना, उससे भी उनका जो रहता है बहुत प्रचार प्रसार हो जाता है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन के डिब्बे खोलते हैं तो उनमें विभिन्न प्रदेश के व्यंजनों की एक खुशबू आती है। अब स्कूल में किसी एक प्रदेश के बच्चे तो पढ़ते नहीं, ट्रांसफर से हर प्रदेश के बच्चे आकर स्कूल में पढ़ते हैं, हर जगहों के बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वे अपने अपने घरों से अलग अलग स्वाद वाला अलग अलग तौर तरीकों वाला भोजन बनाते हैं। और जब दोपहर की छुट्टी होती है तो सबके घरों के भोजन के डिब्बे जब खुलते हैं तो बच्चे आपस में एक दूसरे के घर का टिफिन खाते हैं और उसकी तारीफें करते हैं कि हाँ वो कितना अच्छा बना था, और बदले में कभी कभी कोशिश करके उसे सीखते हैं या बनाने की आदत डालते हैं। लेकिन प्रत्येक प्रदेश के लोगों से के यहाँ का जो उनका स्थानीय व्यंजन होता है उस व्यंजनों को लेकर जब वो टिफिन में आते हैं तो उसकी खुशबू जो रहती है वो मिश्रित संस्कृति का स्वरूप बन करके उभर जाती है। तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू आती है। हम खान पान में भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृश्य देखें तो खान पान की नई संस्कृति हमें राष्ट्रीय एकता के नए बीज भी मिल सकते हैं। आपका खान पान की दृष्टि से भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, पसंद करते हैं और उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब हमारे यहाँ जो नियम है कि अनेकता में एकता जो प्रसार किया जाता प्रचार किया जाता वो बिल्कुल सच है। हमारे यहाँ हर प्रदेश की भाषा बोली रहन सहन खान पान सब अलग है, फिर भी हम भारतीय हैं। कहने का मतलब हमें जब जरूरत होती है हम एक दूसरे के कष्ट को देखते हैं या कष्ट को समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हमें मिल के चलना चाहिए। तो खान पान और पहनावे की दृष्टि में भी हम अपनी एकता का प्रचार प्रसार करते हैं और उसकी वजह से हमें अनेकता में एकता के बीज बिंदु जो है वो मिल जाते हैं। बीज भलीभांत तभी अंकुरित होंगे जब हम खानदान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर ध्यान देंगे। अब इन्होंने कहा कि बीज के जो फूल पुष्प है तभी अंकुरित होंगे, यानी कि खान पान की बदलती तस्वीरें तभी हमारे लिए सार्थक सिद्ध होंगी जब हम खान पान से जुड़ी दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे कि हाँ हर प्रदेश का खान पान कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है। मसलन बोली बानी भाषा भूषा आदि में हम अलग अलग हैं। मैंने आपको बताया कि अगर बंगाल का कोई व्यक्ति होगा तो वो रसगुल्ला संदेश जैसी मिठाइयों को पसंद करता होगा, और उसके पहनावे में उसके ढंग में कुर्ता और उसकी धोती उसकी साड़ी पहनने का ढंग अलग अलग होता है। और धीरे धीरे होता क्या है कि लोगों के द्वारा वो पसंद किया जाने लगता है, तो पसंद किया जाने लगता है और एक दूसरे के घर हम जाके भोजन करते हैं, उसके बनाए गए चीज़ों की तारीफ करते हैं और सीखते हैं कि कैसे ये बनेगा। किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खानदान विशेष से जुड़ी हुई है। तो कहा कि हम क्या करेंगे, हम उस व्यक्ति को हर प्रकार से जानेंगे कि हाँ वो व्यक्ति जो अलग अलग प्रदेशों के रहने वाले हैं खानदान के हैं उनकी बोली वाणी सब अलग है और एकजुट होकर हम क्या करते हैं, हम खान पान की चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, हर प्रदेश के भोजन को हम वास्तव में आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी। तो खान पान की
तस्वीर, बदलती हुई तस्वीर की जो वजह है वो यह है कि या तो हम उद्योग धंधे की दृष्टि से खान पान में बदलाव करते हैं, एक जगह की चीज़ें दूसरी जगह आ जाती, या तो हम महंगाई के कारण चीज़ों में जो स्थानीय व्यंजन रहते हैं उसका उपयोग करते लगते हैं, तो मिली जुली संस्कृति हमारी दिखाई पड़ती है। अभी मैंने पाठ को पढ़ाया, उसके कुछ हिस्से को शेष, अभी कुछ हिस्सा उसका शेष बच गया है, तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो।